गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल रेंज और डिफरेंशियल के बारे में। ठीक है, अभी हमारा ट्रांसलेशन सिस्टम चल रहा है तो उसमें हम लोग क्लच देन गेयर बॉक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज फाइनल रेंज एंड डिफरेंशियल, उसके बाद पीटीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल कहाँ पे यूज होता है, डिफरेंशियल क्या यूनिट होती है। ठीक है, तो डिफरेंशियल जो होता है हमारा कोई भी व्हीकल है, ट्रैक्टर हो चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल हो, फोर व्हीलर व्हीकल हो, तो उसमें आप देखोगे कि नॉर्मली हमें जब स्ट्रेट रोड पे जाने की जरूरत होती है तो उस टाइम पे हम लोग डिफरेंशियल हमारा उतना यूज नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग टर्न लेते हैं, किसी भी व्हीकल का टर्न लेते हैं, तो जो भी इनर व्हील होता है उस व्हीकल का या फिर ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इनर व्हील जो रहेगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टर्न पे अदर देन जो आउटर व्हील है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग ने लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट साइड वाला जो व्हील रहेगा उसका वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है अदर देन राइट साइड वाला व्हील के कंपेयर में। ठीक है ना, तो ये जो एक व्हील को ज्यादा आरपीएम पे घुमाना है ना, या फिर ज्यादा स्पीड पे घुमाना है और एक व्हील को कम स्पीड पे घुमाना है, ठीक है, तब जाके वो एक व्हील कम घूमेगा एक व्हील ज्यादा घूमेगा। तो ऐसे जो कम या फिर ज्यादा स्पीड ये दोनों व्हील्स में देने का काम जो होता है ये डिफरेंशियल का होता है ना, डिफरेंशियल ये काम करता है। तो अभी देख लेते हैं इसके बारे में। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीड ऑफ डिफरेंशियल क्या है ना। तो डिफरेंशियल हमें टर्निंग के टाइम पे काम आता है। अब कैसे, जैसे कि अभी इस व्हील में आप देख रहे हो कि एक व्हीकल दिया हुआ है, ये व्हीकल जो है तो ये व्हीकल एक टर्न ले रहा है। ठीक है, तो ये टर्न लेते समय जो इसकी इनर जो व्हील्स है ये इनर व्हील्स कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं आउटर व्हील के कंपेयर में, तो उस टाइम पे ये क्या करता है डिफरेंशियल, इस व्हील को क्या करता है कम आरपीएम देता है और इस व्हील को ज्यादा आरपीएम देता है। मतलब इस व्हील को ज्यादा, थोड़ा ज्यादा स्पीड से घुमाएगा कंपेरिजन इस व्हील पे। ठीक है, तो इसका काम, डिफरेंशियल का काम ये होता है। अभी किसी भी चीज का अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय उतने डिस्टेंस को कितना टाइम लगा उससे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे। अभी आप लोगों को फाइनल ईयर में भी होता है ये डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेट करना होता है ना, और बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन मार्क करते हैं 10 मीटर पे। ठीक है, एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके 10 मीटर पे एक लाइन मार्क करते हैं। ठीक है ना, 10 मीटर या फिर जो भी आप ले लो उतने मीटर पे आप मार्क करोगे और एक स्टॉपवॉच दे दोगे। ठीक है, उसके बाद ट्रैक्टर थोड़ा दूर से लाओगे और जहाँ पे हमारा लाइन मार्क किया हुआ है वहां से लेके हम लोग स्टॉपवॉच ऑन करते हैं, और फिर जो आपका क्लोजिंग लाइन है वहां तक ले जाने के बाद हम लोग फिर उस स्टॉपवॉच को स्टॉप करते हैं। तो अपने पास पहले से डिस्टेंस है 10 मीटर है चाहे 20 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस तो फिक्स हो गया। उसके बाद स्टॉपवॉच से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल होता है हमारा उसका यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू दिया है ना। तो डिफरेंशियल में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है, तो अभी हम देखते हैं। जो भी आपका पावर आ रहा है ना, कहाँ से आता है पावर, गियर बॉक्स से। ठीक है, डिफरेंशियल कहाँ पे लोकेट होता है, गियर बॉक्स एंड रियर व्हील्स। ठीक है, या फिर गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव, इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंशियल का लोकेशन होता है। तो गियर बॉक्स से एक प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए पावर आएगी कहाँ पे आएगी, ये आएगी डिफरेंशियल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे गियर बॉक्स में जो प्रोपेलर शाफ्ट आ रहा है उसमें एक गियर लगा होगा, इस गियर को बोलते हैं पिनियन गियर। ठीक है, और ये पिनियन गियर पावर किसको देगा, ये क्राउन व्हील को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्राउन एंड पिनियन व्हील। ठीक है, क्राउन एंड पिनियन, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे क्राउन जो गियर है ये क्राउन गियर, इसमें नंबर ऑफ टीथ भी ज्यादा है और बड़ा होता है क्राउन गियर। ठीक है, और पिनियन गियर वो छोटा होता है। तो छोटा गियर जब बड़े गियर को चला रहा है तो मतलब यहाँ पे होता क्या है, छोटे गियर जब बड़े गियर को चलाते हैं तो यहाँ पे हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है, स्पीड कम हो जाती है, स्पीड रिड्यूस हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पीड रिडक्शन ये होता है। तो उसके बाद जैसे ही ये आपका क्राउन व्हील में पावर है, ठीक है, तो क्राउन व्हील से ये लगा होता है आपका पूरा केज, यहाँ से लेके यहाँ, डिफरेंशियल की हाउसिंग बोलो या फिर केज बोलो, तो ये डिफरेंशियल हाउसिंग एंड डिफरेंशियल केज ये डायरेक्ट अटैच होता है क्राउन व्हील के साथ। मतलब क्राउन व्हील घूमेगा तो ये पूरी असेंबली घूमने वाली है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी असेंबली घूमती है। और उसके जो आप क्राउन व्हील देख रहे हो, क्राउन व्हील पे एक बेरिंग रहेगा और बेरिंग के अंदर से एक शाफ्ट गया होगा, मतलब एक क्राउन व्हील घूमेगा तो इस शाफ्ट से ये क्राउन व्हील डायरेक्ट पावर नहीं ले सकता है, बेरिंग के अंदर से एक शाफ्ट गया होगा। अगेन यहाँ पे एक बेरिंग होगा और बेरिंग से एक शाफ्ट इधर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो शाफ्ट होते हैं, ये दोनों हाफ शाफ्ट होते हैं ट्रैक्टर में, ये हाफ शाफ्ट होते हैं और ये पावर देंगे किसको, फाइनल ड्राइव को, इधर और इस साइड में भी एक फाइनल ड्राइव, इधर फाइनल ड्राइव की गियर्स लगेगी, ठीक है। तो ये हाफ शाफ्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप अभी इसके अंदर वाला कंस्ट्रक्शन समझते हैं, तो इसके अंदर वाला कंस्ट्रक्शन समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे दो स्मॉल गियर लगे हुए हैं, ठीक है, एक स्मॉल गियर हो गया, एक स्मॉल गियर हो गया। ये दोनों जो स्मॉल गियर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार गियर, क्या बोलते हैं, स्टार गियर। और ये दो बड़े गियर जो है इसको बोलते हैं, ये वाला एक हो गया और ये वाला एक हो गया, तो ये जो दोनों गियर्स हैं ये है सन गियर, ठीक है, सन गियर और स्टार गियर। तो स्टार गियर चार हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, है ना, दो तीन और चार हो सकते हैं, और सन गियर हमेशा दो ही रहेंगे। तो सन गियर से सीधा पावर कहाँ पे जाता है, फाइनल ड्राइव में जाता है, ठीक है। अब इसको पावर कैसे मिलता है और ये टर्न के टाइम पे कैसे वर्क करता है, अभी देखो कहाँ से पावर, फिर से अगेन पिनियन, पिनियन देन क्राउन, देन क्राउन से पूरा कहाँ पे आ रहा है, ये आपकी हाउसिंग में, ठीक है। तो हाउसिंग भी आपकी घूम रही है, जैसे क्राउन घूमेगा तो उसके साथ आपकी हाउसिंग भी घूमेगी, हाउसिंग घूमे तो यहाँ आपके पास ये दो गियर्स हैं, कौन से, ये वाले छोटे छोटे स्टार गियर्स। तो स्टार गियर क्या करेंगे, ये स्टार गियर ऐसे क्राउन में घूमेंगे हाउसिंग के साथ, है ना, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हाउसिंग घूम रही है तो उसके साथ ही ये स्टार गियर घूमेंगे, है ना। अभी स्टार गियर जैसे घूमेंगे तो स्टार गियर क्या करेंगे, ये दोनों जो सन गियर के बीच में दो स्टार गियर लगे हुए हैं, है ना, दो सन गियर थे, दो सन गियर के बीच में दो स्टार गियर लगे हुए हैं, तो दो स्टार गियर क्या करेंगे, ये दोनों सन गियर को भी घुमाएंगे। जैसे दोनों सन गियर घूमेंगे तो उसके साथ ही आपके हाफ शाफ्ट लगे हुए हैं और हाफ शाफ्ट से पावर कहाँ पे जा रहा है, फाइनल ड्राइव, देन फाइनल ड्राइव से रियर व्हील, तो मतलब ये आपका रियर व्हील तक पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हो गया आपका कौन सी कंडीशन में, स्ट्रेट वाली कंडीशन में। अभी हम लोग बात करते हैं जब टर्न लेता है, ट्रैक्टर टर्न लेता है तो उस टाइम पे कैसे वो ये वर्क करता है। तो ट्रैक्टर टर्निंग के टाइम पे कैसे वर्क करेगा, किसी भी एक शाफ्ट, अभी इस शाफ्ट वाले मान लेते हैं कि ये जो है ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है ना, ट्रैक्टर जो है लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न के टाइम पे क्या होगा, इस शाफ्ट में जो होगा, इस शाफ्ट में हमें कम स्पीड देना है ना, और ये वाले जो शाफ्ट है इसमें ज्यादा स्पीड देना है, क्योंकि ये आउटर व्हील हो गया और ये इनर व्हील हो गया। तो उस टाइम पे होगा क्या कि ये जो आपके छोटे छोटे जो गियर होते हैं, दो स्मॉल गियर इसको जहाँ पे इंडिकेट किया है, ये स्मॉल गियर या फिर स्टार गियर ये क्या करते हैं, इसके एक्सिस पे भी घूम सकते हैं, है ना, ये तो केज के साथ जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो घूमते ही है केज के साथ, है ना, हाउसिंग के साथ, लेकिन ये इसके एक्सिस पे भी घूमते हैं, एक्सिस पे कैसे घूमेंगे, इस टाइप से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस पे भी ये घूमते हैं। तो जैसे ही एक्सिस पे कब घूमते हैं, जब हमें टर्निंग का टाइम आता है, जब स्ट्रेट रहेगा तो स्ट्रेट के टाइम पे ये एक्सिस पे नहीं घूमेंगे, ट्रैक्टर जब स्ट्रेट कंडीशन में चल रहा है तो ये एक्सिस पे नहीं घूमते हैं, लेकिन जब टर्न आता है टर्निंग के टाइम पे ये अपने एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है। अब कैसे टर्न के टाइम पे ये कैसे अभी एक व्हील को ज्यादा स्पीड देता है, एक व्हील को कम कैसे स्पीड देता है, ये अपने एक्सिस पे घूमने के कारण। अब देखिए ये अभी हमारा कौन सा टर्न रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न पे हमें इस व्हील को ज्यादा घुमाना है और इस व्हील को कम घुमाना है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये अपने एक्सिस पे घूमने लगेगा और एक्सिस इसमें जो पावर आ रहा था, है ना, जो पावर यहाँ पे हाउसिंग में आ रहा था और हाउसिंग में आने के बाद ये पावर इसमें आ रहा था, तो ये तो रुक थोड़ा सा रुकेगा, है ना, तो ये रुकने का कारण इसका भी पावर इसमें ट्रांसमिट कर देगा, ठीक
तो जैसे ही इसमें ट्रांसमिट करेगा तो ये क्या करेगा, जितना ज्यादा पावर ये इसमें ट्रांसमिट कर रहा है उतने ये स्पीड से ज्यादा घूमने वाला है टर्न पे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक साइड वाला ब्रेक ही दबा दिया। ट्रैक्टर में दोनों पहिए में दो ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने उसका लॉक खोल लिया और एक साइड वाला इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसको स्टॉप करने के टाइम पे ये क्या करेगा, और टर्न ले लिया, तो जैसे टर्न लेगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, इसमें ये स्टॉप हो गया, अभी एकदम से एक स्टॉप हो गया, तो ये क्या करेगा अपने एक्सिस पे घूमेगा। ठीक है, और अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से जो पावर आ रहा था ये डबल पावर इसके अंदर डबल स्पीड के साथ इसके अंदर भेज देगा, और ये पूरा आपका ये जो भी लेफ्ट सॉरी राइट साइड वाला जो भी व्हील था आपका आउटर व्हील जो भी था आउटर व्हील डबल स्पीड के साथ यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और स्ट्रेट वाले कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेट वाले कंडीशन में ये दोनों अपने एक्सिस पे नहीं घूमते हैं, ये दोनों क्या करते हैं इस इनके बीच में एक लॉकिंग जैसा एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और दोनों इक्वली स्पीड पे ये घूमते हैं। ठीक है, अब समझ आया होगा आप लोगों को कि ये कैसे वर्क करता है आपका डिफरेंशियल सिस्टम। देखो यहाँ पे भी सेम चीज अभी यहाँ पे दी हुई है कि जब आपका स्ट्रेट कंडीशन है ना, ये ट्रैक्टर स्ट्रेट वाला कंडीशन है, ट्रैक्टर मूविंग स्ट्रेट, तो ट्रैक्टर मूविंग स्ट्रेट वाला कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों जो शाफ्ट है ये दोनों शाफ्ट इक्वल स्पीड में घूम रही है, बस आपका जो भी डिफरेंशियल का केज है या फिर डिफरेंशियल की जो भी असेंबली है ये पूरी एक ही स्पीड के साथ घूमती है, और एक ही स्पीड के साथ घूमने के उस टाइम पे आपका ये जो स्टार गियर है स्टार गियर नहीं घूमता है, बस इन दोनों के बीच में एक लॉकिंग मीडिया इस टाइप से ये एक्ट होता है और ये एक ये नहीं घूमता है, तो ये स्पीड इक्वल जाती है दोनों में। अब जब कॉर्नर पे ये टर्न लेता है तो उस टाइम पे क्या करता है, ये स्पीड इसमें ये जो शाफ्ट होती है उसकी स्पीड ये दूसरे शाफ्ट में प्रोवाइड कराता है, अपने ही एक्सिस पे घूमने की वजह से ये होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है और ये स्पीड दूसरे शाफ्ट को ट्रांसफर करने की वजह से ये क्या करता है, जो अनदर आपका आउटर जो व्हील है आउटर व्हील में ज्यादा आपकी स्पीड जाती है। अब डिफरेंशियल इन ट्रैक्टर्स, तीन टाइप के डिफरेंशियल आते हैं ट्रैक्टर्स में अकॉर्डिंग टू स्टार गियर, है ना। एक होता है दो स्टार गियर वाला, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस इमेज में, फर्स्ट वाली इमेज में ये दो स्टार गियर वाला डिफरेंशियल है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीन स्टार गियर वाला आपका डिफरेंशियल है, देन अगेन यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे फोर स्टार गियर वाला डिफरेंशियल है। तो दो स्टार गियर वाला जो डिफरेंशियल होता है ये लोअर एचपी की कैटेगरी वाले ट्रैक्टर्स में यूज होता है, तीन स्टार गियर वाला जो डिफरेंशियल होता है ये उससे थोड़े से बड़े ट्रैक्टर्स में यूज होगा, और जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी चाहिए होती है वहां पे थ्री स्टार डिफरेंशियल यूज होता है। अगेन जो फोर स्टार डिफरेंशियल होता है ये हायर एचपी के ट्रैक्टर्स में, और उसके साथ जहां पे ज्यादा से ज्यादा हमें टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी चाहिए होती है वहां पे फोर स्टार डिफरेंशियल यूज होता है। अभी यहाँ पे फिर से आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो भी मैंने अभी असेंबली बताई आपको डिफरेंशियल की, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आपका जो क्राउन व्हील जो होता है, ये क्राउन व्हील यहाँ पे देखिए, पहले ये क्राउन व्हील है, ठीक है, इस वाली इमेज में देखिए ये क्राउन व्हील है। ठीक है, और इसमें देखते हैं यहाँ पे पिनियन, ये छोटा सा पिनियन आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, ये छोटा सा पिनियन है और पिनियन इस क्राउन व्हील को चला रहा है। ठीक है, ये क्राउन हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक संग, इसमें देखिए फर्स्ट वाली इमेज में लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है उसमें ये वाला और ये वाला ये दोनों जो है ये क्या है आपके, ये और ये दोनों जो गियर्स है ये आपके संग गियर्स है, और यहाँ पे ये देख रहे हो ये है आपका स्टार गियर, देन अगेन ये स्टार गियर। ठीक है, ये दोनों संग गियर हो गए और ये दोनों स्टार गियर हो गए, और ये हो गया आपका क्राउन। ठीक है, यहाँ पे ये पिनियन, ये क्राउन। ठीक है, और अभी देखते हैं ये पावर स्टार जो हमारे सन गियर से जो पावर आती है ये आती है यहाँ पे हाफ शाफ्ट में, और हाफ शाफ्ट ये हाफ शाफ्ट इधर हो गया, एक हाफ शाफ्ट इधर रहेगा। ठीक है, और इसमें से फिर पावर जाता है आपका कहाँ पे, फाइनल ड्राइव में, ये होगी आपके फाइनल ड्राइव यूनिट। ठीक है, और ये फाइनल ड्राइव से फिर इधर से एक एक्सल में जाके रियर व्हील में जाएगा दोनों, तो इस टाइप का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इसका टोटल कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनल ड्राइव। डिफरेंशियल तो हो गया, अभी फाइनल ड्राइव के बारे में देखते हैं। तो फाइनल ड्राइव क्या होता है? एक गियर रिडक्शन यूनिट होता है। तो इसमें हमें क्या होता है, फाइनल ड्राइव में स्पीड कम करके हमें टॉर्क ज्यादा लेना होता है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्यों, एक ऑफ रोड व्हीकल है और ये खेत में यूज होते हैं, तो ट्रैक्टर में स्पीड मायने नहीं रखता है। ट्रैक्टर में क्या मायने रखता है, टॉर्क मायने रखता है। तो अगेन इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, बहुत सारे रिडक्शन देने के बाद अगेन हम लोग एक फाइनल रिडक्शन देते हैं और उसको बोलते हैं फाइनल ड्राइव। और उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा गियर एक बहुत बड़े गियर को चलाता है और उसी गियर से सीधा रियर एक्सल में पावर जाता है। ठीक है, तो ये फाइनल ड्राइव क्या करता है, स्पीड को रिड्यूस करके टॉर्क में बढ़ोतरी करने का काम ये करता है। ठीक, ये ट्रांसमिट करता है पावर फाइनली रियर एक्सल एंड व्हील को। अभी कुछ चीजें इसके बारे में, जैसे कि ट्रांसमिट द ड्राइव थ्रू एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करता है। ये कैसे, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कार है तो कार में ये जो रेशो होता है ये 4:1 होता है। हर एक ट्रैक्टर में ये अलग रहेगा, हर एक व्हीकल में ये अलग अलग रेशो होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग और टाइप्स आते हैं, अभी हम लोग इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक टाइप आता है बूल गियर एंड पिनियन टाइप, बूल गियर एंड पिनियन टाइप। इसमें अगेन दो टाइप्स आते हैं, इनबोर्ड टाइप हाउसिंग एंड पोर्टेबल टाइप हाउसिंग। उसके बाद सेकंड टाइप है इसका बिग क्राउन स्ट्रेट एक्सल, एंड थर्ड है प्लेनेटरी गियर टाइप। ठीक है, बूल एंड पिनियन, बिग क्राउन एंड देन प्लेनेटरी, ये तीनों अलग अलग टाइप ट्रैक्टर में फाइनल ड्राइव में यूज होते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज, कोई कोई आपको एक फाइनल ड्राइव ऐसे पूछ सकता है कि ट्रैक्टर में कितने रिडक्शन के टाइप होते हैं। ठीक है, कोई इंटरव्यू अगर पूछ, इंटरव्यू में बैठा है तो इंडस्ट्री में फाइनल ड्राइव को रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल से पूछते हैं कि टाइप ऑफ रिडक्शन, ट्रैक्टर में कितने टाइप्स ऑफ रिडक्शन होते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो जब भी ट्रैक्टर में कितने टाइप ऑफ रिडक्शन पूछा जाए तो ये सिंपल उसका आंसर है कि ये टाइप्स ऑफ फाइनल ड्राइव पूछ रहा है ना। और इंडिया में ऐसी एक कंपनी है कि जो सारे टाइप के फाइनल ड्राइव उसके ट्रैक्टर्स में देती थी, एस्कॉर्ट एग्री मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनी है कि उसमें आपको किसी ट्रैक्टर में बूल गियर पिनियन टाइप भी मिलेगा, किसी ट्रैक्टर में आपको बिग क्राउन स्ट्रेट एक्सल भी मिलेगा, और किसी ट्रैक्टर में फाइनल जो आपका है प्लेनेटरी गियर टाइप भी मिलेगा। ऐसी एक कंपनी है कि जो सारे टाइप के अलग अलग मॉडल्स में ये फाइनल ड्राइव दे रही है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं बूल एंड पिनियन गियर टाइप क्या है। तो बूल एंड पिनियन गियर टाइप में क्या है कि एक बड़ा सा बूल गियर रहेगा। ठीक है, जो कि हाफ आपका जो ट्रैक्टर का जो एक्सल रहेगा, एक्सल के शाफ्ट पे ये माउंट रहेगा, एक्सल के शाफ्ट पे ये माउंट रहेगा। ठीक है, और एक पिनियन गियर रहेगा जो कि पिनियन गियर आपके जो सन गियर से जो हाफ शाफ्ट निकला था डिफरेंशियल से, जो हाफ शाफ्ट निकलता है उस हाफ शाफ्ट पे पिनियन गियर माउंट होता है, और उस पिनियन गियर पे सीधा माउंट होता है आपका बुल गियर, और बुल गियर से एक शाफ्ट जाता है रियर व्हील के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ बुल एंड पिनियन टाइप गियर का यहाँ पे वर्क होता है। तो आप देखोगे कि बुल गियर बहुत बड़ा होता है, पिनियन गियर छोटा होता है। जब छोटे गियर में से बड़े गियर में पावर जा रहा है, ठीक है ना, छोटे गियर में से छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि वो जो बड़ा गियर है वो छोटे गियर के कंपैरिजन में बहुत स्लो घूमेगा, और जितना स्लो घूमेगा उतना ही ज्यादा वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अभी बुल पिनियन में सबसे पहले टाइप है हमारा इनबोर्ड हाउसिंग। ठीक है, एक है इनबोर्ड हाउसिंग, एक है आउटबोर्ड हाउसिंग। तो इनबोर्ड हाउसिंग से मतलब क्या है कि जो भी आपका फाइनल ड्राइव रहेगा वो फाइनल ड्राइव ये आपके हाउसिंग, डिफरेंशियल हाउसिंग के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे ये डिफरेंशियल हाउसिंग है ना, ये पूरी डिफरेंशियल हाउसिंग है, इसके अंदर ही आपका फाइनल ड्राइव भी दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको इनबोर्ड हाउसिंग बोलते हैं, मतलब हाउसिंग के अंदर ही आपका फाइनल ड्राइव प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखो यहाँ पे इमेज क्लियर है, पिनियन से कहाँ पे आ रहा है पावर, क्राउन, फिर क्राउन से सन गियर्स में, और सन गियर्स में ये हाफ शाफ्ट आपकी यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सन गियर्स में यहाँ पे ये हाफ शाफ्ट लगा है, और अगेन ये इधर एक हाफ शाफ्ट लगा है, फिर हाफ शाफ्ट से ये कहाँ पे जा रहा है, ये फाइनल ड्राइव जा रहा है। यहाँ पे छोटा सा आपका गियर लगा होगा है ना, और उसके बाद यहाँ पे ये पिनियन गियर होगा यहाँ पे,
और ये पिनियन गियर से ये जा रहा है आपके बुल गियर में, ठीक है, और बुल गियर से सीधा आपके रियर व्हील की तरफ, ठीक है। इस टाइप से इसका बुल एंड पिनियन का कंस्ट्रक्शन होता है। चलो तो नेक्स्ट देखते पोर्टेबल हाउसिंग या फिर आउटबोर्ड हाउसिंग। बुल एंड पिनियन में सेकंड टाइप है पोर्टेबल हाउसिंग या फिर आउटबोर्ड हाउसिंग। तो ये पोर्टेबल हाउसिंग या फिर आउटबोर्ड हाउसिंग दोनों चीजें सेम है। अभी इसमें होता क्या है, जो भी आपका फाइनल रेव रहेगा, ये फाइनल रेव ये आपके डिफरेंशियल के हाउसिंग के अंदर न होके ये बाहर के साइड रहेगा। बाहर के साइड कहाँ पे, जहां पे हमारा व्हील लगता है वहां पे रहता है ये, ठीक है। अभी इसका आप देखोगे तो इसमें जो भी आपका सन गियर से जो पावर आता है, सन गियर से पावर आने के बाद एक बड़े से शाफ्ट में ये पावर आता है, ठीक है। ये सन गियर से एक शाफ्ट कनेक्ट होता है, ये शाफ्ट में यहाँ तक पावर आएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, यहाँ तक आया। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे पिनियन गियर दिया है, तो ये पिनियन गियर अगेन यहाँ पे एक बुल गियर दिया रहेगा, इस बुल गियर को चलाएगा, ठीक है। और वो बुल गियर जो भी यहाँ पे जो बुल गियर दिया हुआ है, ये बुल गियर सीधा कनेक्ट रहेगा आपके, छोटा सा एक्सल होता है और यहाँ पे आपका टायर माउंट होने वाला है ना। तो ये जितनी भी आपकी ये फाइनल रेव की असेंबली है, ये आउटसाइड में रहती है, तो इसीलिए इस टाइप के फाइनल ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल हाउसिंग या फिर आउटबोर्ड हाउसिंग। इस टाइप का जो फाइनल ड्राइवर देने का जो मतलब बनता है, तो इसमें कुछ एडवांटेजेस है। जैसे इसका हम लोग इस वाले ट्रैक्टर में इसका ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग बढ़ा सकते हैं। पोर्टेबल हाउसिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें बढ़ा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो हाउसिंग होती है, ये हाउसिंग में यहाँ पे नट एंड बोल्ट होते हैं, इसको हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस हाउसिंग को अप करोगे, ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, इसको जैसे ही डाउन करोगे तो ये क्या होगा, ग्राउंड से ऊपर ऊपर होते हुए ये आएगा। तो इस टाइप वाले फैक्टर्स में हम लोग क्या इजिली ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस होता क्या है कि ग्राउंड से लेके ट्रैक्टर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, ट्रैक्टर में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, ट्रैक्टर में सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका इंजन के नीचे आपका जो भी जहाँ से हम लोग ऑयल निकालते हैं वो हो सकता है, या फिर किसी किसी में रियर व्हील के पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या है, इंजन से जहाँ से हम लोग ऑयल निकालते हैं वही आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। वहां से लेके ग्राउंड ग्राउंड से लेके उस पॉइंट तक की जो हाइट होगी वो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस चलाएगा, और ग्राउंड क्लियरेंस अप एंड डाउन उस ट्रैक्टर में कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा बिग क्राउन स्ट्रेट एक्सल। अब बिग क्राउन स्ट्रेट एक्सल में क्या होता है कि जो भी हमारा क्राउन व्हील होता है ना, पिनियन से पावर आया क्राउन व्हील में, क्राउन व्हील ही को हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे नॉर्मल ट्रैक्टर के कंपेयर में। क्राउन व्हील ये और जिसमें बिग क्राउन स्ट्रेट एक्सल लगा होगा उसमें क्या होता है कि ये बड़ा होता है बस, और क्राउन व्हील से जो पावर जाती है सन गियर में, और सन गियर से डायरेक्ट रियर व्हील में पावर जाएगी। इसमें कोई और एक गियर एंड बुल गियर एंड पिनियन गियर ऐसा कुछ इसमें सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसको अगर पहचानना है, तो इसमें पहचानने के लिए आपको सबसे आसान तरीका कि जो भी आपका क्राउन व्हील रहेगा, ये हमेशा ट्रैक्टर के अगर आप पीछे से देखोगे तो ये हमेशा लेफ्ट साइड में लगा रहेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे जाके देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड में इसका क्राउन व्हील लगा होगा। अदर ट्रैक्टर्स में जिसमें बिग क्राउन स्ट्रेट एक्सल नहीं दिया है, उसमें हमेशा क्राउन व्हील ये राइट साइड में लगा होता है। अभी ये लेफ्ट साइड में क्यों, क्योंकि यहाँ पे और एक गियर को हम लोगों ने कम कर दिया है, इसलिए इसमें लेफ्ट साइड में लगाते हैं। और इसका क्राउन व्हील जो भी होगा, इसका डायमेंशन में क्राउन व्हील बड़ा होगा, नंबर ऑफ पीस और क्राउन व्हील हमेशा बड़े ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बस एक ही रिडक्शन यहाँ पे होता है, और एक रिडक्शन होने के बाद सीधा पावर आपका चला जाता है रियर व्हील की तरफ। अब है नेक्स्ट एपिसाइक्लिक रिडक्शन, इसको कॉन्ट्रा ड्राइव भी बोलते हैं, एपिसाइक्लिक रिडक्शन भी बोलते हैं, या फिर पैरेट्री फाइनल ड्राइव भी बोले, पैरेट्री टाइप फाइनल ड्राइव भी इसको बोला जाएगा, ठीक है। इसके तीन नाम थे, एपिसाइक्लिक, प्लेनेटरी एंड कॉन्ट्रा ड्राइव, ठीक है। कॉन्ट्रा ड्राइव, एपिसाइक्लिक एंड प्लेनेटरी, ये तीनों नाम सेम है, आप समझ लीजिए इसको। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक बड़ा सा रिंग गियर रहता है, और रिंग गियर के बीच में तीन आपके प्लेनेट गियर रहेंगे, और उस प्लेनेट गियर के बीच में एक रहता है आपका सन गियर, ठीक है। तो
इस टाइप का ये ड्राइव इसमें होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सन गियर में आपका जो भी फाइनल ड्राइव है, सॉरी डिफरेंशियल यूनिट है, डिफरेंशियल यूनिट में एक सन गियर रहेगा, उसी सन गियर में फिर प्लेनेटरी, ये प्लेनेटरी ड्राइव वाला जो प्लेनेटरी जो यूनिट रहेगी उसमें अगेन एक सन गियर होता है। तो इस सन गियर में से इस सन गियर में पावर आता है। तो उसमें आने के बाद क्या होता है कि इसमें तीन प्लेनेट गियर है, उस सन गियर प्लेनेट गियर को चलाते हैं और ये प्लेनेट गियर रिंग गियर के अंदर चलते हैं और ये प्लेनेट गियर के ऊपर एक कैरियर होता है, ठीक है ना। वो कैरियर में, वो प्लेनेट गियर जैसे चलेंगे तो वो कैरियर में पावर आता है। वो कैरियर पे ये देखो यहाँ पे एक कैरियर लगा हुआ है, वो कैरियर से डायरेक्ट अटैच होता है आपका एक्सल, रियर व्हील का एक्सल अटैच होता है, ठीक। तो इस टाइप से उधर से पावर इसमें आता है। तो ये जॉन डियर का ये कट सेक्शन है ना, 5310 का एक कट सेक्शन है और इसमें आप देख रहे हो कि प्लेनेटरी ड्राइव यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये प्लेनेटरी या फिर एपिसाइक्लिक रिडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जहां पे ट्रैक्टर कंटिन्यूस लोड में चलने वाला है। तो क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी मान लेते हैं कि ट्रैक्टर पे पहियों पे लोड आया है, ठीक है, पहियों पे लोड आया है, तो सबसे पहले पहिया क्या करता है उस लोड को, कहाँ पे जो भी शाफ्ट कनेक्ट है व्हील्स में, जो शाफ्ट कनेक्ट है ट्रैक्टर के व्हील में, जो शाफ्ट कनेक्ट है उस पे वो पावर लोड भेजता है, ठीक है। फिर वो व्हील सीधा वो जो एक्सल होता है, एक्सल कहाँ पे कनेक्ट होता है आपका फाइनल ड्राइव में। तो जो भी हमारे ट्रैक्टर के व्हील पे लोड आने वाला है वो व्हील ट्रैक्टर के सबसे पहले जो भी आपका ट्रांसमिशन यूनिट है उसमें कहाँ पे जाता है, फाइनल ड्राइव में जाता है। तो व्हील का लोड सीधा फाइनल ड्राइव में जाने वाला है। तो फाइनल ड्राइव आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो जहाँ पे ज्यादा लोड की जरूरत होती है ना, तो उस टाइप के ट्रैक्टर्स में ये एपिसाइक्लिक रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बेनिफिट ये है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि जो भी लोड आपका आने वाला है यहाँ पे ये क्या करेगा, ये तीनों जो प्लेनेट गियर है ये उस लोड को तीनों गियर पे दे देता है, ठीक है ना। तो ये जो लोड आ रहा है वो क्या करता है, तीन जगह पे डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइप जैसे तीन जगह पे ये डिवाइड होगा, तो तीन जगह पे डिवाइड होने के बाद वो लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। तो इसीलिए इस टाइप का जो फाइनल ड्राइव रहेगा ये आपके हाई लोड में इस टाइप के फाइनल ड्राइव यूज होते हैं, भले ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए ये जो भी आपके छोटे ट्रैक्टर से उसमें इसको यूज नहीं किया जाता है। अभी देखो ये एक्सल्स दिए गए हैं और एक्सल हाउसिंग है ना, रियर व्हील में इस टाइप के एक्सल रहते हैं और ये एक्सल कहाँ पे, ये एक्सल हाउसिंग के अंदर इस टाइप के एक्सल लगे होते हैं और इसके ऊपर ही आपका व्हील को माउंट होना है, ठीक है। अब देख लेते हैं बैकलैश, बैकलैश होता क्या है ना। जब भी आपके दो गियर्स आपस में मैच हो, है ना, ये डेफिनेशन आपको कई जगह पे पूछे जाएंगे, ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पूछते हैं कि बैकलैश होता क्या है। तो बैकलैश क्या होता है कि जब भी दो गियर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो या फिर दो मेटिंग गियर्स हो, है ना, तो मेटिंग गियर्स है तो उस टाइम पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दो गियर जो है, ये दो गियर्स अभी रनिंग में है, ठीक है, या फिर मीटिंग कंडीशन में, ठीक है, हम लोगों ने अभी इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गियर का ये एक टीथ है ना, अगेन ये एक टीथ है और इन दोनों टीथ के बीच में एक टीथ अभी यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस होता है कि वो दोनों, मतलब ये तीनों टीथ के बीच में रहेगा, जैसे ये एक टीथ और ये एक टीथ, ठीक है ना, ये तीन टीथ है। तो ये तीन टीथ में अभी यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला टीथ जो है, ये वाला टीथ और ये वाला टीथ ये बिल्कुल ही कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टीथ और ये टीथ इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप है, तो उसी गैप को हम लोग बोलते हैं बैकलैश, ठीक है। आया समझ में अभी, कि जब दो गेयर्स क्या होंगे, दो गेयर्स आपस में कनेक्ट होंगे और दो गियर्स कनेक्ट होने के बाद उसके दो टीथ के बीच में जो छोटा सा गैप रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैकलैश। बैकलैश की डेफिनेशन दिया है और बैकलैश क्रिएट क्यों होता है, बैकलैश इज मोस्ट कॉमनली क्रिएटेड बाय कटिंग ऑफ टीथ डीपर इनटू गियर देन आइडियल, ठीक है ना। और अनदर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बैकलैश बाय इंक्रीजिंग सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर्स,
अगर हम लोग इसका सेंटर डिस्टेंस भी बढ़ाते हैं तो ये बैकलैश आपका बढ़ेगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है बैकलैश का डेफिनेशन। क्लियरेंस और प्ले बिटवीन द गियर्स इन मेश, मतलब दो गियर्स जब मेश कंडीशन में है तो उन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस है या फिर प्ले है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकलैश कहते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलोड, है ना। प्रीलोड कहाँ पे देखते हैं हम लोग, जब भी हमें फाइनल रेवू सॉरी फाइनल रेवू और डिफरेंशियल इनकी सेटिंग करनी पड़ती है, प्री लोडिंग की सेटिंग करनी पड़ती है, तब हमारा प्री लोड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्री लोड क्या होता है कि किसी भी बेरिंग पे हम लोग किसी शाफ्ट को हम लोग वर्किंग करा रहे हैं, है ना। किसी बेरिंग पे कोई शाफ्ट हमारा माउंट है, ठीक है, तो वो शाफ्ट को अपने आप ही घूमने में कुछ पावर लग रहा है तो उसी पावर को हम लोग प्री लोड कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि लोड विद इन द बेरिंग सेटअप बाय एडजस्टमेंट, पहले से हम लोग इसको सेट करते हैं। अब उसका सेटिंग कैसे होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने मान लेते हैं कि हमारा क्राउन, जो क्राउन पिनियन है, जो क्राउन और पिनियन है, तो उसमें जो क्राउन है वो क्राउन को थोड़ा सा मूव करने के लिए, है ना, उसमें पावर है उसको थोड़ा सा मूव करने के लिए जितना लोड लगेगा, है ना, जितना केजी उसको पावर लगने वाला है उस पावर को हम लोग क्या कहेंगे, प्री लोड कहेंगे। अब प्री लोडिंग करते कैसे हैं, तो प्री लोडिंग नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे पिनियन का प्री लोडिंग का इमेज दिया हुआ है, थर्ड वाले इमेज में देखिए पिनियन का प्री लोडिंग का इमेज है, तो इसको लिए क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, एक स्प्रिंग बैलेंस के निचले हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, एक रस्सी लपेट देंगे, ठीक है। और रस्सी लपेटने के बाद क्या करेंगे, उस रस्सी को हम लोग जो भी हमारा पिनियन वाला जो शाफ्ट है उस पिनियन वाले शाफ्ट को हम लोग उस पर बांध देंगे, ठीक है। बांध दिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस को खींचेंगे, और स्प्रिंग बैलेंस को खींचेंगे तो ये पहले तो ये घूमेगा नहीं, लेकिन एक पोजिशन आएगी ये स्लाइटली घूमना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही ये स्लाइटली घूमेगा तो उस टाइम पे उसका रीडिंग हमें स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग देखना है, और जितना रीडिंग होगा वही इसका प्री लोडिंग रहेगा, ठीक है। और बैकलैश मेजर कैसे करते हैं, तो बैकलैश मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायल गेज लेना पड़ता है, और डायल गेज को हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते कि हम लोग क्राउन एंड पिनियन के बीच वाला बैकलैश अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो डायल गेज का एक नीडल होता है, डायल गेज के नीडल को हम लोग इसके एक टीप पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसके एक टीप पे लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हल्का सा क्राउन को हल्का सा स्लाइटली मूवमेंट करेंगे, जैसे एक टक की आवाज आनी चाहिए, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, हल्का सा मूवमेंट करना है, और ये पिनियन घूमना भी नहीं चाहिए, बस इसको थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, है ना, तो जितनी रीडिंग आएगी वो हमारा बैकलैश रहेगा, ठीक है। अभी एक्सल्स की बात कर लेते हैं, कुछ ट्रैक्टर्स में कुछ एक्सल जो होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं अभी। तो ट्रैक्टर्स में जो भी एक्सल होते हैं वो एक्सल दो तरह के होते हैं, एक होता है डेड एक्सल और एक होता है लाइव एक्सल, ठीक है। तो डेड एक्सल और लाइव एक्सल क्या होता है, कि डेड एक्सल मतलब ऐसा एक्सल कि जिसमें ट्रांसमिशन यूनिट से पावर नहीं जा रहा है ना, आपका जो भी ट्रांसमिशन यूनिट है उससे पावर नहीं जा रहा है, उस टाइप के एक्सल को हम लोग डेड एक्सल बोलते हैं, ठीक है। और लाइव एक्सल मतलब क्या है, कि जिससे ट्रांसमिशन यूनिट से जिसमें डायरेक्टली पावर जा रहा है, जिस एक्सल में डायरेक्टली पावर जा रहा है उस एक्सल को हम लोग लाइव एक्सल बोलेंगे। तो ट्रैक्टर में अगर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, टू डब्ल्यू डी ट्रैक्टर है, टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो उसमें फ्रंट वाला एक्सल जो रहेगा ये आपका डेड एक्सल रहेगा, और रियर व्हील वाला जो एक्सल रहेगा ये आपका क्या रहेगा, लाइव एक्सल रहेगा। फ्रंट वाला एक्सल डेड, रियर एक्सल लाइव एक्सल, है ना। अगर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में जो भी आपके एक्सल्स हैं फ्रंट भी और रियर भी, बोथ एक्सल्स आर लाइव एक्सल्स, ठीक है। अभी डेड एक्सल देखो, डेड एक्सल दिखने में आपको इस टाइप से दिखेगा, यहाँ पे कोई बस सेंटर में यहाँ पे कोई पावर के लिए फाइनल रेवेन्यू नहीं होगा, है ना, कोई यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं रहेगा, ठीक। अगेन एक चीज आती है कि फोर व्हील ड्राइव में कितने डिफरेंशियल होते हैं, तो फोर व्हील ड्राइव में आपके दो डिफरेंशियल रहेंगे, एक रियर व्हील के लिए अलग रहेगा, फ्रंट व्हील के लिए अलग रहेगा, है ना।
फ्रंट एक्सल में अलग डिफरेंशियल रहेगा, रियर एक्सल में अलग डिफरेंशियल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेड एक्सल रहेगा टू व्हीलर में, तो उसमें यहाँ पे कोई डिफरेंशियल के लिए कोई चीज नहीं होगी, और ये डायरेक्ट इस साइड से इस साइड तक डायरेक्टली कनेक्ट होगा, और यहाँ पे एक सेंटर पाइवट पिन रहेगी, उस पे ये पाइवटेड ये एक्सल रहेगा, ठीक है। लाइव एक्सल में आप देख पा रहे हो कि लाइव एक्सल का कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होता है, लाइव एक्सल में यहाँ पे सेंटर में आपका डिफरेंशियल यूनिट लगा होगा, और डिफरेंशियल यूनिट से फिर अगेन दो आपका जिस स्टेप का भी ये फाइनल ड्राइव लगा होगा, टू स्टेप का फाइनल ड्राइव, और फिर अगेन यहाँ से पावर आगे बिल में जाने वाला है। अब पीटीओ की बात करते हैं, तो पीटीओ मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे तो पावर टेक ऑफ, ठीक है, पावर टेक ऑफ। अब पीटीओ हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर में, थ्रेसिंग पर्पज के लिए, ठीक है, रोटरी टिलिंग पर्पज के लिए, या फिर अगर हमें कहीं से पानी निकालना है तो उस टाइम पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं कि उस पर एक बेल्ट माउंट करते हैं, पुली माउंट कर देते हैं पीटीओ पे, पुली से एक पंप, पुली से एक बेल्ट माउंट करते हैं और एक पंप लगा देते हैं, उस पंप पे उस पुली होती है, उस पुली पे वो बेल्ट चढ़ा देते हैं, तो हमें ये पानी के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। अगेन हम लोग इसको कहाँ पे देते हैं, कोई जो स्प्रेइंग की मशीनरी होती है, स्प्रेइंग की मशीनरी चलती है पीटीओ से, तो ऐसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसके हैं। पोस्ट होल डिगर चलता है ना, पोस्ट होल डिगर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। ट्रॉली हो गया, हाइड्रोलिक का, सॉरी ट्रॉली नहीं चलता इसे, वो तो हाइड्रोलिक सिस्टम पे चलता है, और ट्रॉली में जो हम लोग कुछ कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स ऐसे ट्रॉलीज होती हैं कि उसमें रियर व्हील में भी हमें पावर देना पड़ता है, ट्रॉली के व्हील में पावर देना पड़ता है। तो ट्रॉली पे जस्ट टाइम पे हम लोग पावर देंगे, जैसे कि गन्ने वाले ट्रॉली होते हैं, गन्ने वाले ट्रॉली में बहुत सारा लोड बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि ट्रॉली में भी हम लोग पावर देते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग वो पावर कहाँ से लेते हैं, पीटीओ से लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का पीटीओ का यूज होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है पीटीओ के। तो अभी हम लोग देख लेते कि ट्रैक्टर में कितने टाइप के पीटीओ होते हैं, तो बेसिकली तीन टाइप के पीटीओ होंगे ट्रैक्टर में, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड एंड कैटेगरी थ्री, अकॉर्डिंग टू आई एस कोड, है ना। तो कैटेगरी फर्स्ट वाला जो पीटीएम रहेगा, पीटीओ रहेगा, तो वो कितने आरपीएम पे चलता है, मतलब उसके आरपीएम कितने होते हैं, 540 प्लस और माइनस 10 आरपीएम, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड आरपीएम कितने रहेंगे, 540 प्लस और माइनस 10। सेकेंड कैटेगरी टू में 1000 आरपीएम प्लस और माइनस 20, ठीक है। अगेन कैटेगरी थ्री में भी 1000 आरपीएम प्लस और माइनस 20। बस कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री में क्या डिफरेंस है, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री में सिर्फ नंबर ऑफ स्प्लाइंस का डिफरेंस है। और स्प्लाइंस होती क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट वाली इमेज में देखिए, एक पीटीओ दिया हुआ है, और पीटीओ पे ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लाइंस, है ना। तो जो भी आपका कैटेगरी फर्स्ट वाला पीटीओ होगा, उसमें नंबर ऑफ स्प्लाइंस जो होगी ये 6 स्प्लाइंस होगी, कैटेगरी टू वाला जो आपका पीटीओ होगा उसमें कितने स्प्लाइंस होगी, 21 स्प्लाइंस होगी, ठीक है। कैटेगरी थ्री वाला जो पीटीओ होगा उसमें 20 स्प्लाइन होगी, कैटेगरी टू में 21 होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में बस एक सिंपल सा डिफरेंस है कि ये 21 आरपीएम है, सॉरी 21 स्प्लाइंस है, और ये 20 स्प्लाइन वाला, यही इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है, और तीनों जो भी पीटीओ चलेगी ये क्लॉकवाइज ही चलती है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ पीटीओ ऑन द बेसिस ऑफ एंगेजमेंट, है ना, पीटीओ एंगेजमेंट के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हमारा होता है डिपेंडेंट पीटीओ, देन होता है सेमी सेमी डिपेंडेंट, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर सिंगल क्लच है तो वो डिपेंडेंट पीटीओ रहेगा, मतलब क्लच दबाओगे पीटीओ रुक जाएगा, ठीक है। अगेन सेमी डिपेंडेंट पीटीओ मतलब कौन सा, ड्यूअल क्लच वाला, हाफ, अगर हाफ क्लच दबाओगे ट्रांसमिशन रुकेगा, फुल क्लच दबाओगे तो पीटीओ रुक जाएगा। अगेन इंडिपेंडेंट पीटीओ मतलब डबल क्लच वाला, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें पीटीओ के लिए अलग से लीवर रहेगा और क्लच के लिए अलग से लीवर रहेगा, ये टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट के देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है, तो
स्टैंडर्ड पीटीओ होता है ये, एक एमआरपीटी होता है और एक जीएसपीटी होता है। कोई भी बोलता है कि भाई मेरे ट्रैक्टर में एमआरपीटीओ है ना, कोई बोलता है मेरे ट्रैक्टर में जीएसपीटीओ है, कोई बोलता है मेरे ट्रैक्टर में ईपीटीओ है या फिर इकोनॉमिक पीटीओ है ना, कोई बोलता है मेरे ट्रैक्टर में आरपीटीओ है, रिवर्स पीटीओ है। ठीक है, तो ये जिसके और टाइप्स है। तो इसमें हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड पीटीओ मतलब कौन सा पीटीओ, जो पीटीओ 540 या फिर 1000 RPM पे रन होगा वो स्टैंडर्ड पीटीओ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है एमआरपीटीओ। एमआरपीटीओ क्या है, ये मल्टी रिवर्स पीटीओ है। इसका एमआर का फुल फॉर्म देखो, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ। ठीक है, जीएसपीटीओ का फुल फॉर्म क्या है, ग्राउंड स्पीड पीटीओ। अब इसमें मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ ये होता क्या है, अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि ये जो पीटीओ होता है इसमें आप जैसे गियर शिफ्ट करोगे उस हिसाब से इसमें पावर मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि आपको हाई लो का जो गियर है वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए, हाई लो का गियर न्यूट्रल होना चाहिए। और हाई लो का गियर न्यूट्रल हो गया उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस पीटीओ को एमआर पीटीओ में कन्वर्ट करेंगे। जब एमआर पीटीओ या फिर जीएस पीटीओ दिया होगा तो उसके साथ स्टैंडर्ड पीटीओ भी दिया होगा, मतलब स्टैंडर्ड पीटीओ ऑप्शनल में उसके साथ एमआर पीटीओ और जीएस पीटीओ, मतलब एक लीवर रहेगा उसको अगर आप आगे करोगे तो वो जीएस पीटीओ में सॉरी स्टैंडर्ड पीटीओ में लगेगा, और उसको न्यूट्रल कर दोगे तो न्यूट्रल पीटीओ रुक जाएगा, उसके बाद उसको पीछे करोगे तो उसमें एमआर पीटीओ होगा या फिर जीएस पीटीओ होगा या फिर इकोनॉमिक पीटीओ होगा। ये तीनों पीटीओ उसके अंदर कोई ना कोई ये तीनों में से एक हो सकता है ना, ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अब एमआर पीटीओ में क्या करना है, जब हम लोग एमआर पीटीओ इंगेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हाई लो को न्यूट्रल करना है। हाई लो को न्यूट्रल किया मतलब आपका ट्रैक्टर स्टेशनरी कंडीशन में आ गया, और एमआर पीटीओ सिर्फ हम लोग स्टेशनरी कंडीशन में ही यूज करते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। स्टेशनरी कंडीशन में ला लिए ट्रैक्टर को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी एमआर पीटीओ को इंगेज कर दिया, उसके बाद वन नंबर वाला अगर फर्स्ट नंबर वाला गियर डाला तो फर्स्ट नंबर वाले गियर पे हमें जितना कुछ अलग आरपीएम मिलेगी, सेकंड डाला तो सेकंड अलग आरपीएम मिलेगा, थर्ड डाला तो थर्ड में अलग आरपीएम मिलेगा, फोर्थ डाला फोर्थ में अलग मिलेगी। अगर हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, रिवर्स गियर लगा दिया तो ये पीटीओ रिवर्स भी चलता है। तो इस टाइप का जो पीटीओ होता है ये हमारा एमआर पीटीओ। इसका अभी रिवर्स पीटीओ का अगर हम लोग देख लेते हैं तो क्या इसका बेनिफिट क्या है, कि जैसे हम लोग थ्रेशर चला रहे हैं या फिर रीपर चला रहे हैं है ना, थ्रेशर चला रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई अगर थ्रेशर चोक हो गया तो थ्रेशर चोक होने के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि पूरा थ्रेशर की पूरी बॉडी खोलना पड़ता है, उसके बाद उसमें से जो चोक हुआ मटेरियल है उसको निकालना पड़ता है। लेकिन उसी टाइम पे अगर हमारा रिवर्स पीटीओ है तो रिवर्स पीटीओ को आप लोग रिवर्स गियर में डाल दो, और उसको रिवर्स गियर में डालने के बाद क्या होगा कि ये पीटीओ रिवर्स घूमेगा। जैसे ये पीटीओ रिवर्स घूमेगा तो उसी टाइम पे आपका थ्रेशर भी रिवर्स वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे थ्रेशर रिवर्स चोक हुआ था तो उसमें जो चोकिंग मटेरियल होगा वो रिवर्स आने की वजह से बाहर निकल जाएगा, है ना, इस टाइप से इसका वर्किंग होता है। उसके बाद जीएस पीटीओ की बात करते हैं तो ग्राउंड स्पीड पीटीओ, तो ग्राउंड स्पीड पीटीओ में होता क्या है कि ये आपका जो व्हील्स है ना, व्हील्स कौन से, ट्रैक्टर के व्हील्स, ट्रैक्टर के व्हील्स जिस स्पीड से घूमेंगे तो उस स्पीड से ये पीटीओ घूमता है, मतलब ये उसी स्पीड से नहीं घूमता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ रेशियो दिया गया होता है कि व्हील के स्पीड के कितने कंपैरिजन कितने स्पीड से ये घूमने वाला है। तो यहाँ पे आपका बेसिस मतलब जीएसपी के आप जब भी इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि ये टोटली डिपेंड हो जाएगा आपके व्हील के स्पीड पे, है ना, मतलब ये मूविंग, जब ट्रैक्टर मूविंग रहेगा उस टाइम पे हम लोग जीएसपी को लगा सकते हैं। अब जीएसपी को एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि हमारा कोई पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका है और वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ट्रॉली पे हमें लोड खींचना है, ट्रॉली लगाना है और ट्रॉली पे लोड खींचना है, तो हम लोग उस टाइम पे जीएसपीटी का यूज करेंगे। क्या होगा कि जीएसपीटी इस पीटीओ से हम लोग सीधा एक शाफ्ट कनेक्ट करेंगे, और उस शाफ्ट को कनेक्ट करते से हम लोग क्या करेंगे, ट्रॉली में पावर दे देंगे, ट्रॉली के व्हील्स में पावर देना होगा। तो जैसे ही आपका व्हील आपका जो भी रियर व्हील है, रियर व्हील जैसे स्पीड से घूमेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू इसका कुछ पीटीओ का स्पीड डिसाइड किया होगा, उस स्पीड से ये आपकी जीएसपीटीओ घूमेगी, और जीएसपीटीओ से हम लोग कनेक्शन लेके क्या करेंगे, ट्रॉली के रियर व्हील में दे देंगे, ट्रॉली के व्हील्स में दे देंगे, तो ट्रॉली का व्हील भी उतना स्पीड से घूमेगा। अब पहाड़ी क्षेत्र में तो उस
जो भी हमें ड्रॉवर पर्पस के लिए ट्रॉली हम लोग खींच रहे हैं, तो ये पर्पस के लिए वो वहां पे इजी वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जीएसपीटीओ का समझ पाए होंगे। ओके, एक आता है इकोनॉमिक पीटीओ। तो इकोनॉमिक पीटीओ होता क्या है कि ये 540 आरपीएम पे ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है, बस उसमें लोड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमें मान लो कि पानी के लिए चलाना है, थ्रेशर में तो लोड आता है, थ्रेशर के लिए इकोनॉमिक पीटीओ यूज नहीं कर सकते, लेकिन कोई पानी का मोटर चलाना है तो वहां पे क्या है, हमें एक कंटिन्यूअस एक ही स्पीड से चलाना है और लोड भी आने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग इकोनॉमिक पीटीओ इंगेज करेंगे, और जब इकोनॉमिक पीटीओ हम लोग इंगेज करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस 540 आरपीएम प्रोड्यूस करता है और ये फ्यूल की खपत ये बचाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पीटीओ आपके हो गए। अभी जिसको भी इस सेक्शन में पूरे सेशन में डाउट है आप लोग वो पूछ सकते हो। पार्टिसिपेंट अभी इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, इसमें दिया गया है कि कैसे ये डिफरेंशियल एंड फाइनल पे वर्किंग करते हैं। Differential and final drives in tractors. At the end of this lesson, you will be able to explain about the working of differential in tractors. आवाज आ रही है सबकी? है Explain the purpose of final drive in tractors. Wheel is a wonderful and very basic invention of all time. Earlier civilizations identified the nature of these wheels and utilized woods and stones to transport heavy loads to reduce the human effort required to move an object. Rapid growth of civilizations led to various changes in the design of a wheel. The basic stone wheels were eventually replaced by the modern day tires that we use nowadays. And human efforts paved the path to automobiles that run on the power derived from an engine. However, this engine operated vehicles often faced problems in farmland or in other applications. Let us discuss in detail those problems and see how they can be rectified. In the early history of automobiles, the power from the engine was transmitted to any one of the wheels of the vehicle. That wheel was called the drive wheel. If the drive wheel got stuck in mud or in a pothole, it kept rotating freely, unable to move further, even under full acceleration. This free rotation of the wheel was due to the transmission of power to a single wheel, and due to this, the other wheel was unable to get a grip on the road to move the vehicle. To resolve this problem, the power was transmitted to both the wheels. This helped the vehicle overcome muddy and pothole obstructions. Therefore, no problem occurred while driving on a straight road. However, when the vehicle took a turn, the inner wheel slipped and hindered the forward motion of the vehicle. Because while taking a turn, the outer wheel has to cover a long distance, while the inner wheel has to cover a very small distance. As both the wheels were connected in the same axle, they were unable to turn separately. And when both the wheels ran at the same speed, the outer wheel tended to skid when taking a long turn, while the inner wheel slipped when trying to take a short turn. In order to avoid the sliding of outer wheel and slipping of inner wheel, these wheels should be rotated at different speeds. The device that helps a vehicle to achieve different wheel speeds is called a differential. The main function of a differential is to allow each wheel to rotate at different speeds. A differential unit houses a number of gears that are engaged with one another. The different types of gears are bevel pinion, ring gear or crown, spider gears, and side gears or axle gears. The power from the propeller shaft of an engine is transmitted via a bevel pinion,
to the crown or ring gear through 90 degrees. Due to the difference in the size of the bevel gear and the ring gear, speed reduction in the ring gear is achieved. Thus, the speed reduction takes from bevel pinion to the ring gear in the ratio of 4:1. Two spider gears facing each other are connected to the ring gear. These spider gears are able to rotate along the ring gear and are able to spin on their own axis. These two spider gears are further engaged with two gears called side gears or axle gears, which are mounted on two shafts that hold the wheel at its end. When the vehicle moves straight, the spider gear does not spin on its own axis, but rotates as a single unit with the axle gear, thus distributing equal power to both the wheels. But as the vehicle turns, the inner wheel restricts the axle rotation, resulting in the change of the speed of axle gears. Here comes the role of a spider gear. Due to this speed difference, the spider gears starts to rotate on their own axis. Thus, the reduction in speed of the wheel at inner end compensates equally to the outer end. This results the outer wheel to run at a higher speed and thereby covering a larger distance. Thus, with the help of a differential, the speed of the inner wheel can be reduced while the speed of the outer wheel can be increased, thereby reducing the sliding and slipping of the wheels. Let us now move on to the final drive of an engine. Even with the use of a differential, the slippage problem rose again when the vehicle ran on a farming land. When the vehicle runs on a farming land, there is less friction between the tire and the road surface. This reduced friction causes the vehicle wheel to slip rigorously. In order to overcome this problem, an additional device introduced called a final drive is used. This setup introduces a pair of spur gear arrangement at the axle. सॉरी पार्टिसिपेंट, पावर कम होने से वो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गए और आज के डाउट